सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के आप लोगों को कुछ इस तरह से नॉर्मल फोटो एडिटिंग को कुछ इस तरह से बैकग्राउंड चेंज करके कन्वर्ट करके दिखाएं कि आप लोग कैसे इस तरह से फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिएगा, एंड जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन कॉल पर कर लीजिएगा, और वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा। तो आपको जो भी इसमें PNG हम यूज करेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो वीडियो को बिना देर को स्टार्ट करता हूँ, साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले बैकग्राउंड को क्रॉप कर लेना है हल्का। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपने बैकग्राउंड को ऊपर से हल्का क्रॉप कर लेंगे, एंड इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इतना हो जाने के बाद अब थोड़ा बैकग्राउंड को हम लोग हल्का ब्लर कर लेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक इफेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट वाला जो ब्लर है उसको सिलेक्ट कर लेना है, एंड इसका ब्लर करीब 4 रख लेंगे हम लोग। और उसके बाद यहाँ से सेटिंग देख सकते हो तो आप इतना ही रखिएगा, और उसके बाद यहाँ से इरेज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इरेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एक इन्वर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर लेना है। तो थोड़ा अच्छे तरीके से ब्लर कीजिएगा, और आपको जो भी इसमें बताएंगे वो आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, बस आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो पूरा बैकग्राउंड ब्लर करने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे, एंड इसको अच्छे तरीके से ब्लर कर लेना है बैकग्राउंड को। और इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो अभी तक वीडियो को जो लाइक नहीं किया वो फटाफट एक लाइक कर दीजिएगा, एंड फिर से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और वीडियो को जितना जितना शेयर कीजिए एंड कमेंट एक अच्छा सा कर दीजिएगा। और आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आपको कमेंट करना है बस। तो यहाँ से इस वाले PNG को ऐड कर लेंगे हम लोग, एंड उसके बाद जो यहाँ पे रिमूव बीजी लिखा है उस पर क्लिक करके रिमूव बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। तो इसके लिए आप लोग को डाटा ऑन रखना होगा, तो ऑन रख लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। देख सकते हो आप कितना ही बहुत ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। एंड इसके बाद इस टेबल को अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है कि आपको थोड़ा प्रोफेशनल तरह आपका एडिटिंग लगे। एंड यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो टेबल का कलर है वो ग्रीन है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक एडजस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसका जो सिचुएशन है वो फुल माइनस रखना होगा, और इसके बाद यहाँ से इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद इन्वर्ट पे क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को जो ग्रीन है उसको हम लोग ब्लैक एंड वाइट में कर लेंगे। तो पूरा अच्छे तरीके से ही कीजिएगा कि ताकि कुछ अलग तरह से ना लगे। तो बस आप लोग को बैकग्राउंड में मैचिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हो आप जो पीछे चेयर है और ये चेयर हल्का मैचिंग हो गया, एंड उसके बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद आप लोग को स्क्रॉल करके आना है, और एक ड्रॉ का ऑप्शन दिख गया यहाँ पे, तो इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऐड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को, उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो फोटो वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अपने जो बैकग्राउंड कटआउट करके रखे हुए हैं PNG उसको ऐड कर लेना है। अगर आपको बैकग्राउंड कटआउट नहीं करने आता तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर वॉच कर सकते हो वीडियो को। तो अपने फ़ोटो को कुछ अच्छे तरीके से ही एडजस्ट करना है कि ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, एंड इतना हो जाने के बाद यहाँ से थोड़ा और अभी भी अच्छा तरीके से नहीं एडजस्ट हुआ, तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ से जो लेयर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लस वाला ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके इम्पार्टी लेयर पे क्लिक करके दो लेयर आप लोग को बना लेना है। एक लेयर को अपने जो PNG ऐड किए थे अपने फोटो का उसके एक नीचे रखना है और एक ऊपर, तो कुछ इस तरह से आप लोग रख लीजिएगा। बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा।
तो आप लोग भी कुछ इस तरह से एडिटिंग कर पाइएगा। इतना हो जाने के बाद फिर से लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके बैक आ जाना, और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रश का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके जो फर्स्ट वाला ब्रश है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इसका जो आप लोग साइज है और हार्डनेस और ऑपसिटी आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से सेटिंग कर लीजिएगा जैसे हम रख रहे हैं वैसे। तो हार्डनेस मैं 6 के करीब रख लेते हैं और ऑपसिटी 27 के करीब, और साइज अपने हिसाब से रखिएगा। बस आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग सबसे पहले जो नीचे वाला लेयर है उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद शैडो क्रिएट करना है। तो आप देखते हो कुछ इतना ही क्रिएटिव टाइप पे शैडो, रियलिस्टिक टाइप पे क्रिएट हो रहा है शैडो। तो बस वीडियो में अपने कुछ इस तरह से ही शैडो क्रिएट कर लेना है फोटो में, सॉरी, ताकि देखने में रियल तरह लगे। तो बस जो भी अपने बैकग्राउंड में है वो सभी जगह वैसे ही शैडो क्रिएट कर लेंगे फोटो के अपने साइड साइड से। तो ये टेबल के नीचे भी शैडो क्रिएट कर लेना है। तो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर से लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और इस बार क्या करना है कि आपको ऊपर वाला जो लेयर है उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद थोड़ा यहाँ से जो ऑपसिटी है वो हम लोग कम कर लेंगे और साइज हल्का बढ़ा लेंगे। और अब अपने जो ड्रेस है वो उसको शैडो क्रिएट करना है, सॉरी ड्रेस के ऊपर ही शैडो क्रिएट करना है, इसलिए हम लोग ऑपसिटी हल्का कम कर लिए। तो आप देख सकते हो तो अब कितना ही और बवाल लगने लगा है मेरा फोटो। बस ऐसे ही फोटो एडिटिंग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड को भी ऐसे ही शेयर और वीडियो कीजिए कि वो भी ताकि देखे और वो भी एडिटिंग कर सके। एंड इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे एक डिस्कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे फाइनली मेरा यहाँ से पूरा फोटो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गया है। तो यहाँ पे एक PNG ऐड करेंगे ताकि जो मेरा यहाँ पे शॉर्ट फोटो मेरा था इसलिए थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसके लिए इस वाले PNG को ऐड कर लेंगे हम लोग। और यहाँ से बैकग्राउंड इसका रिमूव कर लेंगे। तो देख सकते हो सेम वही प्रोसेस करना है जैसे टेबल ऐड करने के लिए किए थे, और उसके बाद इसको हम लोग ऐसे आगे ऐड कर लेंगे। अगर आप लोग को फुल फोटो है तो वैसे नहीं करना है, अगर ऐसे ही सेम कटा हुआ है फोटो उसे मैं ऐसे ही करके प्रोसेस ऐड कर लेना। एंड इसके बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इतना हो जाने के बाद आपको डाटा ऑन कर लेना और स्टिकर वाला ऑप्शन पे चले जाना है, और आपको यहाँ पे शैडो सर्च करने पर इस वाले शैडो का PNG आप लोग को मिल जाएगा। तो इस वाला PNG को ऐड कर लेना है, और इसको हल्का थोड़ा छोटा करके कुछ इस तरह से नीचे की ओर एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डुप्लीकेट इसका एक और लेयर बना लेना, और इस साइड भी ऐसे ही शैडो ऐड कर देना है, और एक और डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे हम लोग, और इस शैडो को इस साइड से ऐड कर देना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में फाइनली मेरा फोटो एडिटिंग हो गया, देख सकते हो आप बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद यहाँ से अपने फोटो को सेव कर लेंगे हम लोग, और फोटो को स्नैपचैट एप्लीकेशन में शेयर कर देंगे। तो आप देख सकते हो कितना ही प्रोफेशनल तरह से बैकग्राउंड में एडजस्ट हो गया मेरा फोटो। सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मोर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और स्नैपचैट एप्लीकेशन में अपने फोटो को ऐड कर लेना है। तो स्नैपचैट एप्लीकेशन में आने के बाद आप लोग को सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे एक टूल्स का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जो कलर ग्रेडिंग हम लोग करेंगे वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल का होगा, इसके लिए टूल्स पे क्लिक कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ से ब्रश वाला ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ पे अपने ड्रेस पे कुछ लाइट शैडो क्रिएट करना है। तो इसके लिए ये फर्स्ट वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना, और इसका साइज 5 रख के, और अपने ड्रेस पे कुछ इस तरह से ब्रश चलाना है।
तो आपको बस बिफोर एंड आफ्टर दिखाएंगे, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे क्या एडिटिंग किए थे। तो आप देख सकते हो ड्रेस पे कितना ही नेक्स्ट लेवल का शैडो क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा फेस पे ही ऐसे करके शैडो क्रिएट करेंगे वाइट वाला। तो इसको इरेज कर लेंगे हम लोग, अच्छा नहीं लग रहा तो इसको हम लोग इरेज कर लेंगे फेस पे जो आया है जो। इसको फिर से हल्का कर लिया एंड इसके बाद इतना हो जाने के बाद क्या करना है कि अपने शर्ट पे जो है उसको हम लोग क्रिएट करेंगे ताकि देखने में और फोटो प्रोफेशनल तरह से लगे। जैसे आप लोग देखते हो इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त एडिटिंग होता है, वहाँ पे फ़ोटो पोस्ट करते हैं, तो आप लोग को भी लगता होगा वैसे कैसे करते हैं। तो आपको बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अभी तक जो देख रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो आपको फिर से टूल्स वाला ऑप्शन पे चले जाना है। टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है वाइट बैलेंस पे। इस पर क्लिक करने के बाद जो इसका टेम्परेचर है वो माइनस में रख लीजिएगा, -6 या -5 ऐसे रख लीजिएगा, और जो टिंट है उसको प्लस की ओर रखिएगा। इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। तो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, और फिर से आपको टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ग्रेना फिल्म दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हो कितना ही बैकग्राउंड में जो फिल्मी तरह से इफेक्ट होता है वो इफेक्ट आ गया है मेरा फोटो में, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो इतना करने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो फेस कितना ही रेड टाइप हो गया, तो इसको भी हम लोग रिमूव कर देंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है कि आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद क्या करना है कि इसको यहाँ पे व्यू एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस वाले फाइल पे क्लिक करके ब्रश वाला ऑप्शन पे चले जाना है, और इसका जो साइज है वो माइनस रख लेना है, 25 से ऐसे रख लेते हैं, और फेस पे से रिमूव करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फेस पे जो रेड रेड टाइप पे आ रहा था वो रिमूव हो गया है मेरा। तो हाथ पे भी है जो, उसको भी रिमूव कर लेते हैं हम लोग। एंड इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपको बैक आ जाना है। तो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो आपको यहाँ से क्या करना है कि फिर से टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे चले आना है, जो व्हाइट बैलेंस वाला ऑप्शन था उस पर फिर से चले आना है, और इस बार जो टेम्परेचर है वो माइनस रखना है 2, और जो टिंट है वो रख लेना -2। एंड इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो अब आप देख सकते हो फाइनल मेरा फोटो एडिटिंग हो गया बिफोर एंड आफ्टर। चलिए तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।